मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कदम फूंक फूंक कर रख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने बीजेपी को माफी मांगने से और कंगना रनौत के इस बयान से अपने आप को अलग रखने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि लोगों का दावा ये भी है कि कंगना रनौत के इस बयान को देखकर अमित शाह और मोदी अपना माथा पीट रहे होंगे कि कैसे व्यक्ति को हमने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, फिलहाल कंगना रनौत के इस बयान को अब बीजेपी ने अलग बताया है, कहा है ये पार्टी की मानसिकता नहीं है। कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान विनेश फोगाट और किसानों के मामलों ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा किया है। इन दोनों मामलों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के सवालों का जवाब देने से भाग रही है। बीजेपी के तमाम नेता जो हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें विनेश फोगाट और किसानों के मुद्दे पर सवाल झेलना पड़ रहा है, विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच किसानों को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो बीजेपी के लिए अभिशाप साबित होने वाला है। आपको बता दें, इस बयान को बीजेपी से अलग बताते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये कंगना रनौत का अपना खुद का बयान है, पार्टी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती है। दोस्तों आपको बता दें, एक सभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर आती है तो हम फिर से तीन कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। जबकि दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों का विरोध बड़े तौर पर हरियाणा और पंजाब से ही देखा गया था। वहां के विरोध बाद ही इन तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए वापस लिया था। लेकिन वहां की जनता को ये कहकर कि हम आएंगे तो फिर इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस ला देंगे, ये बीजेपी के लिए वोटों की नजर से नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कंगना रनौत अपनी इस गलती से अनजान है और इसके लिए अब बीजेपी को भी माफी मांगनी पड़ रही है। मुझे लगता है किसानों के इतनी कारी लॉस वापस आनी चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए।